हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आप सबका मेरे चैनल गल्फी टीवी में लेकर हाजिर हूँ महबूला में रहने वालों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट। और ये अपडेट जो है कुवैत में एक जगह है महबूला, वहाँ के लिए है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि ये खबर कुछ ख़ास है। खबर यह है कि वहाँ के लोकल पेपर अल राय की सूत्रों के मुताबिक और सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक महबूला की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं, जिनमें प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भारतीय टेक्नीशियन भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि इन 5 इमारतों में 600 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और जिनमें ज़्यादातर एशियाई काम यानी एशियाई काम करने वालों के राबते में हैं, यानी कॉन्टैक्ट में है। ऐसे मामला से निपटने के लिए हेल्थ से रिलेटेड प्रिकॉशन अख्तियार करने की फौरन ज़रूरत है। अगर बात करें तहकीकात के मुताबिक 8 केस अभी फौरी तौर पे सामने आए हैं, जिनमें से 2 कुवैती शहरी, 3 भारतीय और 1 सोमाली और 1 बंगाली और 1 फिलिपिनी शामिल है। इन 8 केसेस से कोरोना वायरस मज़ीद और ज़्यादा अफराद में ट्रांसफ़र हुआ, जो इन अफेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट में थे, जिनमें 9 भारतीय, 3 बंगाली और 1 सोमाली नेशनलिटी के लोग हैं, जिनमें ये वायरस ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप तमाम हजरात से भी यही कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो एक स्टेप उठाया गया है, उसको अमल में लाइए और लोगों से दूरी बना के रखिए। कम से कम 3 फीट की दूरी पर रहकर ही एक दूसरे से कांटेक्ट में आइए, बातचीत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों से और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था जो मुझे लगा आप तमाम हज़रात के साथ शेयर कर देना चाहिए। शेयर कर रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इसे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।